कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अमर सिंह जीती बलबीर सिंह सिद्धू बलबीर सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। मेरा नाम नैना है। मैम क्या कहना चाहोगे, इस वक्त कॉलोनी में आपको क्या सुविधाएं प्राप्त है सारी? हाँ जी सारी प्राप्त है, जो भी है कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। आज तक कभी भी कोई नहीं आया जितना इन्होंने किया। हम तो ये चाहते हैं आगे भी यही हो और सफलता मिलती रहे इनको, और हम सारी सपोर्ट इनको ही कर रहे हैं। मैम आपने कांग्रेस का डाला हुआ गले में, आपने झाड़ू का क्यों डाला? उन्होंने ही काम कराएंगे, आपको लगता काम कोई आया नहीं आज तक? जो किया इन्होंने ही किया, आज तक यही करते आ रहे और किसी ने किया ही। अकाली दल से एक परमिंदर समाना जी खड़े हैं, वो कहते हैं हम लोकल बंदे हैं यहाँ के। हाँ जी, तो फिर उनके बारे में क्या कहना है आपको? हम तो जो भी हैं हम इनकी ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो भी किया इन्होंने ही किया है। पानी की सुविधा सब चीज इन्हीं की बदौलत मिली है, सब कुछ इन्हीं के थ्रू हो रहा है, तो हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे तो कांग्रेस को ही होगी वोट। ठीक है जी, आज के लिए बोलो क्या नाम क्या जी? सत्या। हाँ जी, यहाँ के कॉलोनी में विकास हुआ? हाँ जी बहुत विकास हुआ, सिद्धू सिंह ने किया, उन्हीं को मैं चाहती हूँ कि आपकी वोट मेरा उन्हीं पे जाएगा। नहीं आपने गले में कांग्रेस का हाथ डाला है, इसलिए कह रहे हो कि सच्चाई में किया? नहीं नहीं सर, मैं सच्चाई में कर रही हूँ, सिद्धू हमारे साथ रहते हैं और हमेशा ही वो हमारे साथ। कांग्रेस वोट डाला, वोट कहीं और डालोगे जी? नहीं नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो डालेंगे तो उन्हीं को डालेंगे। ठीक है, राजकुमार नाम है जी। हाँ जी, कितना विकास हुआ है कॉलोनी में? मगर मैं आपसे जोड़ के इलाज करता हूँ, मगर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मगर इस बात में कि इसने केजरीवाल ने जी 30-30 साल पुरानी कॉलोनी वहाँ से तोड़वा रखी है, मगर उससे ज़्यादा कि हमारी कांग्रेस ने इससे बढ़िया कोई काम नहीं करा है। क्यों? क्या मैं लॉकडाउन में भी और राशन भी बांटे हैं और जो अपना खाना ही बांटा है, उससे बढ़िया कोई हमारा बढ़िया काम नहीं हुआ। रोजगार मिला आपको? हाँ जी रोजगार मिला आपको। ये कॉलोनी भी उन्होंने बैठाई है, जो भी है घर मिल गया मतलब आपको? हाँ मिल गया। 10 मार्च को रिजल्ट कैसे आएंगे? हाँ जी 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे कैसे? हमारे तो मैं तो उन्हें कहता हूँ वो ही आने चाहिए, वो ही आने चाहिए, सिद्धू साहब आने चाहिए, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। सिद्धू दादा पर्सनली मिले? हाँ जी मिलते हैं, मिलते हैं। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा है। मोहाली में कौन सी कॉलोनी के वासी हुआ? ये शहीद उधम सिंह कॉलोनी। क्या कॉलोनी में विकास हुआ है? हाँ जी कॉलोनी में विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? राशन कार्ड बना है, रोड बना है, रोड पे लाइट लगी है। और तो यहाँ पे आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे कॉलोनी पीछे बनी नहीं है, कोई बार आगे वाली रोड में डली है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ जी, इस बार आपकी वोट किसको जाएगी? कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं? ये आम आदमी पार्टी क्या किया है? कुछ नहीं किया है, उसने सिर्फ दिखावा है। एक अकाली दल से भी यहाँ पे सरदार जी, अकाली दल पहले थे, क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ जी सिद्धू साहब, आप काम उनके काम से हम खुश है। क्या आपका नाम है? गोपी किशन। सर क्या कहना चाहोगे, आपकी कौन सी कॉलोनी वाले अपना नाम बता के? देखो जी हमारी हम साहब कॉलोनी है, हमारा जितना विकास कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया, और हमारा जितना है भविष्य आगे को हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस साथ रहेंगे, क्योंकि जितना व्यवसाय ये कर रहे हैं कोई नहीं दे रहा। राशन से लेकर इतना सुविधा दी है इन्होंने कि इतना कोई दे ही नहीं सकता। सर कई लोग कह रहे हैं नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको जनाब ये बताइए, अभी कोई दुख या कुछ होता है तो हम दिल्ली जाएंगे क्या? हमारे यहाँ भागेंगे तो क्या भाई सिद्धू के पास? तो हमारा सब काम वही कांग्रेस ही कर रही है, हमारा जितना वोट है सब कांग्रेस को है जी। आपके यहाँ पे प्रधान कौन है? प्रधान कौन है यहाँ पे? हमारा सतीश जी। वो आपके काम वगैरह करवाते हैं? बिल्कुल जी, बहुत जी, उनसे ज्यादा बड़े किसने काम कराया ही नहीं हमारा। नहीं लोगों का यहाँ पे आरोप है कि आप ना ये सरपंची में आया ना ये क्या बोलते हैं उसमें आया। नहीं नहीं जी, का बनवाना राशन कार्ड बनाना सिद्धू साहब के पास जाना पड़ता है? नहीं 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 जी, हम तो जाते सीधा इनके सतीश जी के दौरे जाते, हमारा सारा काम होता है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल बाबू राय है जी। हाँ जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ 10 साल हो गया कॉलोनी में, आज सारे पार्टी यहाँ आ रहा है, और इतने साल से हमारे को तो बलबीर सिंह सिद्धू जी ही साथ दिए हैं, सतीश जी ही साथ दिए हैं, और तो कोई पार्टी था नहीं। आज जब इलेक्शन आया तो सारे पार्टियों के झंडा इधर टांग रहे हैं, मगर हमारे तो साथ है कांग्रेस आई ही देते हैं, तो हम लोग तो कांग्रेस आई के साथ ही है, हम सतीश जी के ही साथ रहेंगे। हमारा जो भी है, जो भी दुख दर्द मूल्य आपकी जरूरत क्या है? हमारा जो देखिए सड़क बनवाना था वो सड़क आगे बनवाए, राशन कार्ड कॉलोनी का डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी है अभी जी बन ही रहा है, सारे कुछ बन रहा है, जो जितना बनना था वो बन ही रहा है, राशन कार्ड सतीश जी बनवाए। आज तक तो कोई पार्टी हमारे को कोई पूछा नहीं, जब इलेक्शन आया तो सारे पार्टी आ रहे हैं इधर,
से हम तो करेंगे, ये करेंगे। तो हजार रुपया देगी आपकी घर वाली को? हजार रुपया देगी, हजार रुपया में क्या होगा बताइए। हमारे पूरी जिंदगी 10 साल से तक कांग्रेस आई चला रही है, उतना दिन से तो वो थे नहीं। सिद्धू साहब ने कुछ दिया आपको कभी? सिद्धू साहब ने सारे तो वही जिंदगी वही चला रहे हैं, 10 साल से तो उन्हीं के साथ हम लोग हैं। बलबीर सिद्धू जी के काम काज से खुश हैं? खुशी है जी, हम लोग तो खुश है जी। हमारे राशन कार्ड बनवाए, रोड बनवाए, बच्चों के आने जाने के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाए, अब देखिए राशन पहुंचवाया, लॉकडाउन में राशन दिए। उस टाइम कहाँ थे झाड़ू छाप, उस टाइम कहाँ थे जो कॉलोनी में था। मेरा राधे श्याम नाम है। देखो हमारी ये कांग्रेस पार्टी पुरानी है, काफी साल से मतलब हम देख रहे हैं, और जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है कोई पार्टी मुर्गे नहीं देखती, चाहे हम कीचड़ में किसी में जो भी करती है कांग्रेस पार्टी करती है, बाकी अन्य पार्टी कोई नहीं आती हमारे को देखने जो है। और हम एक बात और चाहते हैं कि हमारी जो कॉलोनी है, जो हमारे अपने गरीब हम लोग हैं, हम हमारी कॉलोनी यहीं पे शिफ्ट करी जाए, यहीं पे मतलब साल को पक्का यहीं पे करा जाए। सिद्धू साहब ऐसा करेंगे? हाँ, ये हमारे को पूरा पूरा विश्वास है, जो है इस पार्टी पे विश्वास है हमारे को, और किसी पार्टी पे विश्वास नहीं है हमारे लिए। देखो ये पार्टी पुरानी पार्टी है, गरीबों को हित में काम करती है पार्टी। मेरा नाम ब्रजपाल है। हाँ जी बताइए, कॉलोनी का क्या इतना विकास हुआ है? विकास तो काफी हुआ है, सिद्धू साहब ने कराए, ये पर्चे जहाँ तक टंगे हैं जी, लॉकडाउन में किसी ने बात नहीं करी, सिद्धू साहब ने जब तक लॉकडाउन दिया, राशन रोटी पानी सब कुछ उन्हीं ने दिया है। 10 मार्च को कैसे रिजल्ट आएंगे है जी? 10 मार्च को यही रिजल्ट आएगा, कांग्रेस तो यही होगा जहाँ तक 100% कांग्रेस लाना है हमने, जो है और किसी पार्टी को हमारा वोट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बलबीर सिंह सिद्धू जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और बलबीर सिंह सिद्धू जिंदाबाद।